सिख धर्म के आठवें गुरु गुरु हरकिशन साहिब जी का जन्म श्रावण मास कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को सन 1656 में कीरतपुर साहिब में हुआ था। गुरु हरकिशन साहिब जी के पिता सिख धर्म के सातवें गुरु गुरु हर राय जी थे और उनकी माता जी का नाम किशन कौर था। बचपन से ही गुरु हरकिशन साहिब जी बहुत ही गंभीर और सहनशील प्रवृत्ति के थे। वे 5 वर्ष की उम्र में भी आध्यात्मिक साधना में लीन रहते थे। उनके पिता अक्सर हरकिशन साहिब जी के बड़े भाई राम राय जी और उनकी कठिन से कठिन परीक्षा लेते रहते थे। जब हरकिशन साहिब जी गुरबाणी का पाठ कर रहे होते तो वह उन्हें सुई चुभाते, किंतु बाल हरकिशन साहिब जी गुरबाणी में ही रमे रहते। उनके पिता गुरु हर राय जी ने गुरु हरकिशन साहिब जी को हर तरह से योग्य मानते हुए सन 1661 में गुरुगद्दी सौंपी। उस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी, इसलिए उन्हें बाल गुरु कहा गया है। गुरु हरकिशन साहिब जी ने अपने जीवन काल में मात्र 3 वर्ष तक ही सिखों का नेतृत्व किया। ऐसा माना जाता है कि उनके बड़े भाई राम राय जी ने उस समय के मुगल बादशाह औरंगजेब से उनकी शिकायत कर दी थी कि वह बड़े हैं और गुरुगद्दी पर उनका हक है, जिस वजह से औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। ऊंच नीच और जाति का भेदभाव मिटाकर उन्होंने सेवा का अभियान चलाया। लोग उनकी मानवता की इस सेवा से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें बाल पीर कर पुकारने लगे। गुरुद्वारा बंगला साहिब असल में एक बंगला है जो 7वीं शताब्दी के भारतीय शासक राजय जयसिंह का था। कहते हैं जब औरंगजेब ने उन्हें दिल्ली बुलाया था तब वे वहाँ रुके थे। कहा तो यह भी जाता है कि गुरु हरकिशन साहिब जी जब दिल्ली पहुँचे तो उस वक्त दिल्ली को चेचक महामारी ने घेर रखा था और गुरुजी ने इसी बंगले में लोगों का इलाज बंगले के अंदर के सरोवर के पवित्र पानी से किया था, जिसके बाद से ही इस बंगले को उनकी याद में गुरुद्वारा बंगला साहिब कर दिया गया। 1964 को चेचक की महामारी के कारण महज 8 वर्ष की आयु में सिखों के सबसे छोटे गुरु गुरु हरकिशन साहिब जी ने प्राण त्याग दिए। उन्होंने अपने अंत समय में अपनी माता को अपने पास बुलाया और कहा कि उनका अंत अब निकट है। जब लोगों ने कहा कि अब गुरुगद्दी पर कौन बैठेगा तो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के लिए केवल बाबा बकाला का नाम लिया, जिसका अर्थ था कि उनका उत्तराधिकारी बकाला गाँव में ढूंढा जाए। उनके उत्तराधिकारी गुरु तेग बहादुर साहिब जी थे और उनका जन्म बकाला में हुआ था। गुरु हरकिशन जी के पिता श्री गुरु हर राय जी गुरु हरकिशन जी के जन्म होने के पश्चात ही जान चुके थे कि यह बालक दिव्य है। जब गुरु हर राय जी मात्र 31 साल 8 महीने के थे तभी उन्हें पता चल चुका था कि अब उनका शरीर छोड़ने का समय नजदीक आ गया है। इसलिए उन्होंने अपने छोटे पुत्र श्री हरकिशन जी को गुरु नानक देव जी की गद्दी सौंप दी और उन्हें सिखों का 8वां गुरु बनाया। जब उन्हें गुरु बनाया गया तब उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी और जब वे ज्योति जोत में समाये तो वो मात्र 8 वर्ष के थे। अपने मात्र 3 वर्षों के छोटे से काल में उन्होंने कई चमत्कार किए। एक दिन एक कुष्ठ रोगी ने उनके सामने फरियाद की कि मुझे ठीक करो। गुरुजी ने उस कुष्ठ रोगी की सुनी और उसे भला चंगा कर दिया। उनकी ख्याति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी, जिस कारण उनके बड़े भाई बाबा राम राय की ईर्ष्या और बढ़ने लगी। वह दिल्ली में औरंगजेब के दरबार में पहुँच गए और उनके कान भरने लगे। उन्होंने औरंगजेब से कहा कि वह गुरु हरकिशन जी को दिल्ली बुलवाकर उनके आत्मिक बल के चमत्कार देखें, परंतु औरंगजेब ने इस विषय पर कोई रुचि न दिखाई क्योंकि वह पहले ही बाबा राम राय के चमत्कारों को देख चुके थे। बाबा राम राय ने औरंगजेब के फिर कान भरे और कहा कि गुरु हरकिशन अभी बहुत छोटे हैं, इसलिए उन्हें अपने साथ कर उनके सिखों को औरंगजेब अपनी ओर कर सकता है। यह बात औरंगजेब को अच्छी लगी और उसने गुरु हरकिशन जी को दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। पहले तो गुरु हरकिशन जी ने निमंत्रण अस्वीकार किया, परंतु बाद में उन्होंने हामी एक शर्त के साथ भरी कि वो औरंगजेब को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे।
जब औरंगजेब ने उनकी यह शर्त मान ली तो वह कीरतपुर पंजाब से दिल्ली की ओर अपने सिखों के साथ निकल पड़े। दिल्ली को जाते समय उन्होंने अपने सिखों के सहित अंबाला के पंजो खरा में अपना शिविर लगाया। वहाँ के पंडितों ने गुरुजी को कहा कि यह बालक का नाम तो हरकिशन है, परंतु अगर वो गीता के किसी भी एक श्लोक का अर्थ कर दे तो वह मान जाएंगे कि वह गुरु बनने के लायक है। पंडितों की शंका दूर करने के लिए गुरु साहिब ने उनसे कहा, मैं तो नहीं करूँगा, तुम किसी भी व्यक्ति को ले आओ मेरी जगह, वो कर देगा। पंडितों ने यह सुनकर एक चाल चली और पंडित कृष्णलाल एक पानी उठाने वाले व्यक्ति जो कि गूंगा था गुरुजी के सामने ले आए और कहा, इससे कहो कि यह गीता के किसी भी श्लोक का अर्थ करे। गुरुजी ने छज्जू राम जो कि गूंगा था उसके सर पर छड़ी मारी, एक चमत्कार हो गया और वह बोल पड़ा, पंडित जी आप किसी भी गीता के श्लोक का अर्थ करें। सभी आश्चर्यचकित रह गए। पंडित गीता के श्लोक पढ़ने लगा, परंतु छज्जूराम ने उसे बीच में टोका और कहा कि आपका गीता के श्लोक का उच्चारण गलत है, मैं आपको सही उच्चारण बताता हूँ। उसने तुरंत गीता के श्लोक पढ़ दिए। गुरु साहिब की महिमा और बढ़ गई। इसके पश्चात गुरु साहिब दिल्ली पहुँचे और राजा जयसिंह ने उनका स्वागत किया। सभी गुरुजी को देखने के लिए ललायत थे, जिनमें रानियां भी थी। बाल गुरु की महिमा की जांच करने के लिए रानी ने मन में सोचा, अगर बाल गुरु पूर्ण है तो मेरी गोद में बैठे। रानी के संग बहुत सी और औरतें बैठ गईं। गुरु साहिब आए और अपनी छड़ी से एक एक कर औरतों को छूते और कहते गए, यह भी रानी नहीं है, यह भी नहीं है। और अंत में जब वह राजा जयसिंह की रानी के पास पहुँचे तो तुरंत उनकी गोद में बैठ गए और साथ ही रानी से कहा, आपने हमारी परीक्षा ली जो कि ठीक नहीं है। दिल्ली में अब मौत का तांडव चल रहा था, हैजा फैल रहा था, सभी और लोग मर रहे थे। गुरु साहिब के समक्ष लोग पहुँचे और फरियाद करने लगे, हमें इस बीमारी से बचाओ। गुरु साहिब बोले, फिक्र मत करो, उस सर्वशक्तिमान पर विश्वास रखो जो हमने प्रार्थना कर जल तैयार किया है, उसे पियो, तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण होगा। गुरुजी के दरबार में लोगों का तांता लग गया, सभी रोगियों का इलाज हुआ। गुरु साहिब की महिमा चारों ओर फैल गई। यह देख उनका भाई राम राय ईर्ष्या से भर गया और उसने गुरु साहिब से कहा, आप सिख गुरुओं के सिद्धांतों पर नहीं चल रहे। सिख गुरु कभी भी प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते थे, आपने उनके नियमों को तोड़ा है। सिख गुरु लोगों का उपचार कर उनका इलाज करते थे, ना कि चमत्कार दिखाकर। जब बाबा अटल राय जी ने अपने मित्र मोहन को सांप के काटने पर दोबारा जिंदा कर दिया था तो उसे गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने बदले में अपने प्राण देने को कहा था और बाबा अटल राय जी पानी में समा गए थे। हमारे पिता गुरु हर राय जी के दरबार में जब एक मृत बालक को लाया गया और कहा गया कि इसे जिंदा करें तो गुरु घर की महिमा और बढ़ जाएगी, तो हमारे पिता ने एक ही शर्त रखी थी, जो गुरु घर की महिमा को बढ़ता देखना चाहता है वो सबसे पहले अपने प्राण दे, तभी इस बालक को जिंदा किया जा सकता है। बाबा राम राय जी की इस बात ने गुरु साहिब को बेहद ठेस पहुंचाई और उन्होंने खाना पीना त्याग दिया और अंत में लोगों की बीमारी अपने सर पर ले ली और उन्हें चेचक हो गया। गुरु साहिब की ज्योति जोत समाने का समय नजदीक आ चुका था। लोगों ने उनसे उनके उत्तराधिकारी के बारे में पूछा तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, बाबा जी गांव बकाले। इसके पश्चात गुरु साहिब ने अपने शरीर को त्याग दिया और वह ज्योति जोत में समा गए। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके अंतिम दर्शन करने औरंगजेब आया, परंतु गुरु साहिब तो पहले ही कह चुके थे कि मैं औरंगजेब से नहीं मिलूंगा। फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही औरंगजेब वहां पहुंचा, जहां गुरु साहिब का पार्थिव शरीर रखा था, उसका सर चकरा गया, परंतु फिर भी उसने हिम्मत कर गुरु साहिब के मुखमंडल को देखना चाहा। उसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया और विकराल रूप धार कर उसे डरा दिया। वह चीखता हुआ वहाँ से चला गया।
अगर आपको यह साखी पसंद आई तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन करें या डिस्क्रिप्शन में दी गई सपोर्ट ऑप्शंस को देखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। सतनाम श्री वाहे गुरु।